इंजीनियरिंग कॉलेज के नियमित अशैक्षणिक कार्मिकों की सेवाएं उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेशों की पालना में सुचारू कर वेतन भुगतान करने की मांग को लेकर भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक महावीर रांका ने राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अवगत कराया गया है कि सत्र 2018 में अभियांत्रिकी महाविद्यालय बीकानेर में 18 अशैक्षणिक पदों पर नियमित नियुक्तियों की गयी थी। राजनीतिक दुर्भाग्यवश 4 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के बाद भी इन कार्मिकों को नियमानुसार परिलाभ प्रदान नहीं किया गया। एक कार्मिक की असमय मृत्यु हो गई, जिसकी विधवा पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान नहीं की गई। राजनीतिक दुर्भावना से ग्रसित होकर ही इन कार्मिकों को मार्च 2022 को अचानक ही सेवाएं समाप्त करते हुए कार्यमुक्त किया गया, जिस पर इन कार्मिकों द्वारा उच्च न्यायालय में रिट याचिका संसदित किए जाने पर न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया। नवभारत समाचार बीकानेर से सुरेश जैन की रिपोर्ट। इंजीनियरिंग कॉलेज का मामला है, उनकी नियुक्ति हो रखी थी 2018 और जैसे ये कांग्रेस सरकार आई, हमारे यहाँ मंत्री जी पी टी किला साहब ने राजनीतिक के कारण उनको एकाएक हटा दिया। उसके बाद में वो हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने जो इन्होंने हटाया उस पर स्टे दे दिया, फिर वो उनको ज्वाइनिंग नहीं कराई और वो चले गए अपील में डीपी में। डीपी ने भी वही चीज़ कायम रख दी कि भाई जो सिंगल बैच ने जो हटाया है उसमें स्टे दिया है, उन्होंने भी उस स्टे को कायम रख दिया, फिर भी ये ज्वाइनिंग दे रहे हैं। आज इस बात को 24 तारीख को डीपी का निर्णय हुआ, उसके बाद में भी यहाँ मनोज जी कूड़ी साहब है वो कहते जी ऊपर का दबाव है। अब कौन से ऊपर का दबाव है, मंत्री जी बी डी कल्ला जी का दबाव है या और किसी का दबाव है, वो तो वही बता सकते हैं, लेकिन वो जब डीपी के फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं है तो ऐसे अधिकारी को यहाँ से हटाया जाए और उनको तुरंत ज्वाइनिंग दी जाए, अन्यथा 6 तारीख से हम यहाँ कलेक्टर के सामने भूख हड़ताल पर बैठेंगे।